Assalamu alaikum junior one, how are you all? I hope you all are fine. Now today I am give you the lecture of some oral subjects, and here is the lecture of computer, and our topic is working with WordPad. In this topic we have to discuss in the previous lecture how to work on a WordPad and how to write on a computer. इस लेक्चर में हमने रीडिंग के दौरान हमने ये सीखा था कि वर्ड पैड पे हम कैसे काम कर सकते हैं. वर्ड पैड मीन्स कंप्यूटर में हम कैसे लिख सकते हैं, किस तरह हम स्टोरीज डॉक्यूमेंट्स को सेव और ओपन कर सकते हैं. नाउ टुडे वी हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन इज विच शॉर्ट की वी यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट. किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम कौन सी शॉर्ट की यूज़ करते हैं. एंड द आंसर इज वी यूज कंट्रोल प्लस एस. CTRL कंट्रोल प्लस एस. क्वेश्चन नंबर टू इज हाउ कैन वी टाइप डिफरेंट सिंबल्स ऑन द स्क्रीन. मुख्तलिफ सिंबल्स को हम स्क्रीन पे कैसे टाइप कर सकते हैं. एंड द आंसर इज बाय प्रेसिंग द शिफ्ट की. शिफ्ट की को प्रेस करके हम मुख्य सिंबल्स को स्क्रीन पे अपीयर या टाइप कर सकते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच शॉर्ट की वी यूज टू एग्जिट द प्रोग्राम. कौन सी शॉर्ट की हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोग्राम को एग्जिट यानी बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए. एंड द आंसर इज वी यूज Alt + F4. Now, we repeat it. Question number one is, which short key we use to save the document? And the answer is, we use Ctrl+S. Question number two is, how can we type different symbols on the screen? And the answer is, by pressing the Shift key. Question number three is, which short key we use to exit the program? And the answer is, we use Alt+F4. So, I hope you understand it. You have to learn it properly. Thank you.